लक्ष्मी विलासम को पुत्तन कोट्टारम या नए महल के नाम से भी जाना जाता है और यह पद्मनाभपुरम महल परिसर में जोड़ा जाने वाला अंतिम भवन है। प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार इस भवन को 20वीं सदी के आरंभिक दौर में बनाया गया था, जो प्रायः कलकुलम में शिविर लगाने वाले अधिकारियों के लिए बनाया गया था। इसे बनाने में प्रयुक्त वास्तुकला औपनिवेशिक गुणों का इस्तेमाल करती है, जिस कारण इसे अद्भुत माना जाता है, जो शेष ढांचों से काफी भिन्न है। इस भवन का प्रवेश द्वार पश्चिम मुख के एक उपकक्ष से होकर जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर सीपियों से सजे और RV अक्षरों वाली एक पट्टी है, जो श्री मूलम तिरुनाल राम वर्मा को दर्शाता है, जिनके शासन काल में इस भवन को बनाया गया था। लक्ष्मी विलासम के उत्तरी हिस्से में एक प्रांगण है, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं।